जय साथियों साथियों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी में अपना जो एडमिशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से इसकी ऑफिशियल फैट रखकर अपना एडमिशन जो फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं उसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो सिंपली आप सबसे पहले UPI2 की ऑफिशियल फैट को ओपन कीजिए और जब इस प्रकार से इसका होम पेज आपके सामने ओपन हो जाता है तो आप नीचे आ जाएँ। नीचे देखिए यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन दिया यहाँ पे मिलेगा एडमिशन का। सिंपली आप इस एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं यह आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो के आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है MBA न्यू एडमिशन। यदि आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। अब आप यदि ओपन यूनिवर्सिटी से MBA एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपको दिया गया सत्र 2024-25 के सापेक्ष यदि आप प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं, चाहे आप BE करना चाहते हो, चाहे आप BLIS करना चाहते हो या फिर आप MA के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए देखिए यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे जो दिया गया है सत्र 2024-25 प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए आपको इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको दिया गया सत्र 2023-24 के जो समस्त स्नातक यानी जो लोग BE और MA में प्रवेश ले चुके हैं वो विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के लिए इस तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा शेष सभी कार्यक्रमों में आपको यदि एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है तो आप इस लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमें नया एडमिशन लेना है तो हम इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे क्लिक करेंगे यह हमारे सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो के आएगा। और जब हमारे सामने कुछ इस प्रकार से साथियों यह ओपन हो के आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है इंट्रक्शन यानी यहाँ पे हमको महत्वपूर्ण क्या दिया गया, महत्वपूर्ण यहाँ पे सबसे पहले हमें निर्देश दिया गया है, जानकारी दिया गया है और इस महत्वपूर्ण निर्देश को हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एडमिशन के लिए ये जो यहाँ पे आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया कि पंजीकरण के समय कृपया आपका जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है वो आप वही डालेंगे जो परमानेंट आप यूज करते हो, जो आपके पास परमानेंट हो, क्योंकि कोई भी जो ईमेल होगा, कोई भी जो मैसेज होगा वो आपके इसी मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा जाता है। तो आप एक काम करेंगे वही ईमेल आईडी, वही मोबाइल नंबर साथियों आप यूज करेंगे जिसे आप परमानेंट अपने साथ यूज करते हो, जिसे हम बराबर अपने पास रखते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जो आपका अपना यूजर नेम होगा उसे आप कम से कम 8 से 16 अक्षरों के बीच का चुनेंगे। इसके अलावा जो आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड भी आप जो 8 से 16 अक्षरों के बीच होना चाहिए, वह भी अल्फ़ा न्यूमेरिकल आपका पासवर्ड होना चाहिए। अल्फ़ा न्यूमेरिकल का मतलब पहला आपका कोई कैपिटल अक्षर हो, उसके बाद आप छोट लिख सकते हैं, फिर इस प्रकार से आप एक कोई जो है ये जो होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल उसको आप लेंगे, उसके बाद आप 1, 2, 3 संख्या लेंगे। यानी कहने का मतलब यही साथियों कि आप कोई एक ABCD में से कोई एक लेंगे, उसके बाद एक आपका जो है इस प्रकार से जो आपका दिया रहता है या फिर हैज या फिर स्टार, इसमें से कोई एक आप लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप गिनती लेंगे, ये सारे लेकर आप जो अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे, जो भी आपका डिटेल मांगेगा वो सारे डिटेल आप फिल करके भर के साथियों आप लास्ट में सबमिट करेंगे। और सबमिट के उपरांत साथियों आपका जो यूजर नेम होगा जो आपका वो आपके ईमेल पर SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, आप अपने जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उसको याद आप रखेंगे और किसी कॉपी में अपना नोट करेंगे। उसके बाद आप उसको दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपका डिटेल मांगेगा आप वहाँ पर उसके बाद भरेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा कौन कौन सा लगेगा, सबसे पहले आपका स्कैन किया गया फोटोग्राफ 100 KB से कम लगेगा, स्कैन किया गया आपका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर 100 KB से कम लगेगा, जो आपकी शैक्षिक योग्यता होगी जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट 200 KB से आपको कम स्कैन करके अपलोड करना होगा, अनुभव प्रमाण पत्र और यदि आप SC ST और OBC के हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा जिसे हम कैटेगरी सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको भी आपको 200 KB से कम क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। फिर अपना जो पेमेंट है वह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर आप UPI से क्या कर सकते हैं अपना आप पेमेंट कटाएंगे इसके बाद। और पेमेंट कटाने के बाद साथियों आपका उसके बाद आप लास्ट में सारा जो भी वहाँ पे डिटेल दिया रहेगा सारा डिटेल आप फिल करेंगे
और सारा डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा साथियों हुआ कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या फिलअप करना होगा उसके लिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय साथियों यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या फिलअप करना है उसका डिटेल यहाँ पे देखे दिया गया है। सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, नाम के बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद साथियों जो आपकी ईमेल आईडी होगी ठीक है, उसके बाद जो आपका पासवर्ड आप अपना क्रिएट करेंगे ठीक है, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसको आप इंटर करेंगे ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद साथियों जो कैप्चा कोड दिया रहेगा उसको आप फिलअप करेंगे यहाँ पे, और फिर आप जो है जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया लास्ट में सबमिट का उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आप UPRTO की ऑफिशियल साइट पर आकर यदि आप BA में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप BLIS में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप MA में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर साथियों आप सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हो तो इन सब में आप एडमिशन जो है इस प्रकार से यहाँ से UPRTO की ऑफिशियल साइट पर आकर ले सकते हैं। बाकी यदि आपके नज़दीक में कोई भी HD सेंटर है साथियों तो आप अपने HD सेंटर पर जाके वहाँ से भी आप सारा डॉक्यूमेंट उनको देकर वहाँ से भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं ठीक है। तो यदि आपको हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि वे भी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से वे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या उनको करना होगा उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी जो है हमारी वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं और भी वीडियो को देख सकते हैं ठीक है। तो इस वीडियो में इतना साथियों, नमस्कार, जय हिंद।